मैं और शांति रखनी रख रहा। पंकज जी जा रहा हूँ, पंकज जी आ रहा हूँ, आपका ऑडियो नहीं जा रहा। पंकज जी ये लोग क्या क्या कांग्रेस की गारंटी समझ गया कांग्रेस का मैंने। अच्छा जी प्लीज, यश शर्मा जी बैठ के बोल रहे हैं, पंकज शर्मा बोल रहे हैं, ज्यादा बोल पाएंगे पंकज शर्मा की बात करी, मेरे ज्यादा ऊंची आवाज में बोल पाएंगे पंकज शर्मा कुछ बोल रहे हैं। रिलैक्स पंकज शर्मा, आ रहा हूँ। तुम्हारा फोन खोल रहा है क्या? काहे के लिए बलवा करवाने की कोशिश कर रहे हो? शांति, आउट ऑफ स्टूडियो पंकज शर्मा, आउट ऑफ स्टूडियो पंकज शर्मा, आउट ऑफ स्टूडियो पंकज शर्मा, अनिल आउट ऑफ स्टूडियो पंकज शर्मा, बोले जा रहे हैं पंकज शर्मा। मैं ये कह रहा हूँ, ये जो हिंदू धर्म के स्वयंभू ठेकेदार बैठे हैं, पंकज शर्मा डायरेक्ट के स्वयंभू ठेकेदार बैठे हैं, ये मुझे बताएं कि किसने कहा कि राम मंदिर तोड़वा देंगे? किसने कहा कि राम मंदिर तोड़वा देंगे? और ऐश्वर्य, आप अपने चैनल पर ऐसे ऐसों को महंत कहते हैं, महंत कहते हैं, जिन्होंने फिल्म अभिनेत्री के बारे में क्या क्या कहा पिछले साल, आपने सुना नहीं? यहां तक कहा कि क्योंकि उन्होंने विवाह कर लिया एक ऐसे समुदाय के व्यक्ति के साथ जो जिनसे ये नफरत करते हैं, तो इन्होंने कहा कि आपको बधाई, अगर आप 1000 लोगों के साथ रात गुजारना चाहें तो रात गुजारिए। और उनकी तुलना एक ऐसी अभिनेत्री से भी की जो बेचारी अपना बंबई में काम करके और अपना रोजगार चला रही है। स्त्रियों के मान जा रहा हूँ पंकज जी, ओके, जवाब एंड सही है, जवाब को प्लीज बोलने दीजिएगा। आचार्य विक्रमादित्य जी प्लीज, कोई किसी के टाइम के बीच में नहीं बोलेगा। पंकज जी पॉइंट टेकन, जवाब साहब बोलिए। कांग्रेस की गारंटी और बात शांति की। हाँ, मैं तो मोहब्बत की तो राहुल गांधी हमेशा कहते हैं और वो ये बार बार कहते हैं कि बोलने से नहीं होता, करने से होता है। मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ, बोलने से नहीं होता। कांग्रेस का मैनिफेस्टो, प्लीज बोलिए, का मैनिफेस्टो जो है वो देश के लिए है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर लगातार झूठ बोला जा रहा है, लगातार राहुल गांधी को लेकर के टारगेट जी आ रहा हूं है, लगातार कांग्रेस पार्टी को टारगेट करा जा रहा है। क्या कांग्रेस के कभी मैनिफेस्टो के अंदर ये बातें लिखी गई हैं जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग और माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं उठा रहे हैं? अब उन्होंने एक नया शगुफा छोड़ा आचार्य प्रमोद कृष्णम जी को उठा करके, अब वो कह रहे हैं ठीक तीसरे चरण से पहले। ये मुद्दों की बातें इसलिए नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि मुद्दों पे उनको पता है 170 पार नहीं हो रहे हैं। जो बातें करते थे 400 पार लाले पड़े हुए, 170 पार, कभी जो है मंगलसूत्र पे आ जा रहे हैं, कभी भैंस के ऊपर आ जा रहे हैं, कभी हिंदू मुसलमान पे आ जा रहे हैं। अरे 10 साल के कार्यकाल के अंदर आपने क्या काम करा आप बताइए उसको लेकर के, वो बताने को नहीं है। और रही राम मंदिर के विरोध की बात, यहाँ सम्मान होता है प्रभु श्री राम जी का, यहाँ लोगों के दिलों में बसते हैं प्रभु श्री राम जी। अल्लामा इकबाल ने तो उस वक्त कहा था, है राम के वजूद पर हिंदोसिता को नाज, है राम के वजूद पर हिंदोसिता को नाज, अहले नजर समझते हैं जिनको इमाम हिंद। ये अगर तसव्वुर रखा होता है, अगर चीज यार इनको क्या हो जाता लगातार बीच, आपने अपनी बात बोली, बीच में इनको क्या हो जाता, क्या खा लिया इन्होंने, क्या खा लिया इन्होंने, लगातार बीच में बोलेंगे आपको नफरत फैलाने। Ending comments. मान जी कृपया, जवाब साहब प्लीज, जवाब साहब आचार्य जी प्लीज, मान जी सबके पास शांति से, मान जी बोलिए एंडिंग कमेंट्स, मल्टी रखो, बोलिए मान जी। जीवन मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूँ, निवेदन पूर्वक बोलना चाहता हूँ। अभी एक महोदय बोल रहे थे, राजनीतिक विश्लेषक है, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि ऐसे व्यक्ति को आप महंत कह रहे हो, साधु कह रहे हो, संत कह रहे हो। मैं आपसे, मेरा सवाल है महोदय, वो रत्नाकर त्रिपाठी है, वो कांग्रेस के नेता है, 53 काशी से आते हैं, टुकड़े कलावा जी, कलावा पहनकर मस्तक पे तिलक लगाकर हमारी माता बहन बेटियों के साथ छलावा का बढ़ावा किसने दिया? ऐसे ही हीरो और हीरोइन ने दिया। और मैंने जब उस पे सवाल खड़े किए इनको तकलीफ होने नहीं, अब कौन बोल रहा है बीच में, अब कौन बोल रहा है बीच में, बेटी के साथ 72 टुकड़े होते, नहीं करेंगे, नहीं 72 टुकड़े होते। अभी कांग्रेस के एक नेता के बेटी के साथ ऐसे अभद्र व्यवहार, अरे किसी के साथ नहीं होना चाहिए। इनके जवान सिल गए, एक शब्द ये नहीं बोले, बोल पाए क्या, बोल पाए क्या, नहीं बोल पाए। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ, इसीलिए राजू दास खराब है, साधु नहीं है, अपराधी है, आतंकवादी। ये देखिए बोलने की इनको तमीज है, कांग्रेस के नेता को यही बोलने का तमीज है, ऐसे बोलते हैं बताते हैं, अरे ये मांगते क्या उखार लेगा, क्या बिगाड़ लेगा, अरे पहले सभ्यता सीख लो, नहीं तो स्थिति आ जाएगी ना। 40 से 400 पे थे ना, 10 सीट नहीं मिलेगा, क्योंकि राहुल देव जी सारी बातें, सारी बात आखिरकार आके आ जाती है इलेक्शन पे। जी मान राहुल देव जी, सारी बात आखिरकार आ जाती है इलेक्शन पे, सारी बात आ जाती है नंबर्स पे, सारी बात आती है कि सरकार किसकी बन रही है। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि जो आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा, जो इतना
स्ट्रॉन्ग कमेंट किया, वो भी सिर्फ इलेक्शन के चलते हैं। राहुल जी ऐश्वर्य, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि चुनाव के मौसम समय पे बहुत सारे इतने गंभीर मुद्दे जब देश के सामने और मतदाताओं के सामने हैं, आपने एक ऐसा विषय चुना और एक ऐसा बयान चुना जो मैं समझता हूं कि कोई भी परिपक्व राजनीतिक पर्यवेक्षक उसको मजाक में उड़ा देता, उसको गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन आपने लिया है। और उस पर बहुत महान महान लोग यहां आए हैं और सबने बहुत महान बातें कही हैं। एक मिनट मैं केवल एक बात निवेदन कर दूं कि जहां तक अयोध्या ना जाने का सवाल है, अयोध्या मंदिर ना जाने का सवाल है किसी भी नेता किसी भी पार्टी के लोगों का, हमारे परम आदरणीय चारों शंकराचार्य जी भी अभी तक राम मंदिर नहीं गए हैं, तो शायद इन लोगों की परिभाषा से तो वो भी हिंदू नहीं होंगे और राम विरोधी होंगे। जी कुछ मैं समझता हूं कि प्रमोद कृष्णन ने ये क्यों कहा है। मैं एक और एक आपसे सुझाव दे रहा हूं, मैं सुझाव दे रहा हूँ है तो कम से कम अपने को अपडेट रखें कौन कौन वहाँ जाके देख के आया है, रिपोर्ट नहीं करी है। अरे बात सुनिए पहले, इस देश की विडंबना ये है कि कोई संत महात्मा कहीं दर्शन करने जाता है आराम से 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 प्लीज आराम से प्लीज आराम से प्लीज। आचार्य जी ना आपके ऊपर ना किसी के ऊपर, आचार्य विक्रमादित्य जी प्लीज, थैंक यू। राहुल जी लास्ट 30 सेकंड जी बोलिए। मैं केवल ये कह रहा हूं कि इतने महान व्यक्ति महत्वपूर्ण व्यक्ति ने इतना बड़ा आरोप लगाया है तो मैं तो सुझाव ये दूंगा कि सर्वोच्च न्यायालय के 13 न्यायमूर्तियों की उसमें एक SIT बनाई जाए उनकी निगरानी में, जो जांच कर ले प्रमोद कृष्णन जी की बात पर उसकी सत्यता पर, और अगर सही साबित हो तो राहुल गांधी को आजीवन कारावास दे दिया जाए। भिगो के दे रहे हैं आज तो प्रमोद कृष्णन को भिगो कारावास। ओके 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 मान जी आ रहा हूँ, लेकिन हाँ मतलब आचार्य जी बोलिए। देखिए मैं टीम रिमांड कर रहा हूँ, अगर ये राहुल देव भिगो भिगो तमाम जो कांग्रेस के प्रवक्ता लोग बैठे हैं, इनडायरेक्ट सपोर्टर बैठे हैं, वो सबके सब डिसाइड करने का प्रयास करें। पहले दिन ही कहे थे इतना भयावह बयान, मुझे लगता है इतना भयावह एलिगेशन है, इतना भयावह एलिगेशन है कि इस चीज पे अगर किसी और धर्म के ऊपर होता तो आग लग गई होती। ओके विनीत, नहीं भैया शांति रखनी है देश में, शांति सबसे पहला। विनीत ऐश्वर्या जी एक बात खुल के समझ लीजिए, 100 करोड़ से ज्यादा जनता कहती है जो ना हुआ राम का वो नहीं हमारे काम का। और दूसरी बात, अयोध्या केवल एक झांकी है, अभी तो कई सारे ऐतिहासिक जो गलतियां हुई है ना उनको सुधरना बाकी है। जवाब साहब लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, सरदार भी तुम्हारा है। आचार्य जी बीच में नहीं प्लीज, आचार्य जी क्यों आप ऐसे करते बीच में नहीं प्लीज, एंडिंग बोली बोली इनको भी बुलवा लीजिए, आप वही बोलते रहिए, आप अपना इलाज करवा लीजिए। पंकज शर्मा जी, पंकज शर्मा अच्छे डॉक्टर जी आ रहा हूँ, आप अपना पंकज शर्मा जी, पंकज शर्मा हाँ जी। अरे ऐश्वर्य आप बार बार आचार्य जी महंत जी महंत जी, काहे के आचार्य हैं, काहे के महंत। मैं आपको पंकज जी नहीं कहता हूँ नाम के पहले, मैं आपको पंकज जी नहीं कहता हूँ, मैं अपने नाम मैं के पंकज जी कहता हूँ शंकराचार्य, तो शंकराचार्य हो जाऊंगा क्या? मैं अपने नाम के पहले चार लगा लूंगा शंकराचार्य। अरे किस चीज के आचार्य है महाराज, किस चीज के आचार्य है, जबरदस्ती पोत देते थे आप, पढ़ के आइए लिख के आइए तो लगा लीजिएगा, अरे आप पढ़ के आइए लेकिन पत्रकार बन गए आप। अगर मैं खुद लिख लूं शंकराचार्य तो क्या शंकराचार्य हो जाऊंगा? जी लास्ट 10 सेकंड स्थिति बनाई है भाई, आपको जिन को बोलना हो आपको मुबारक। पंकज जी मैं तो आपको भी जी कहता हूं, राहुल जी हर बार मेरे को भिगो गया, थोड़ा कम दे रहे थे, आज उन्होंने 4-5 एपिसोड का 4-5 सीरियल का एक साथ दे दिया, मैं तो तब भी इज्जत देने में किसी को खराबी नहीं। रत्नाकर जी मैं तो हमेशा बोलता हूं, मान जी बोलिए, इज्जत देना किसी को सर खराब